अच्छा काम तो कर रही नहीं होगी जी? अच्छा काम क्या, हमारा पुल तो बना ना, पुल नहीं, 5 साल हो गए। तो जहाँ 2 रुपए का काम है वहाँ 100 रुपए में काम हो रहा है, तो दिक्कत ही दिक्कत। आजम खान साहब की मौजूदगी में ये पुल तोड़ा गया था और इस पुल पर पूरा कार्य इसका प्रगति पे था, पूरा पुल कम्प्लीट होने में था। यूपी में गवर्नमेंट चेंज हो गई और योगी साहब ने कहा कि हम इसका निर्माण दोबारा से कराएंगे, पिछले 5 साल कम्प्लीट हो चुके हैं, जबकि जो काम आजम खान या समाजवादी सरकार के रहते हुए किया गया वही काम इस पर किया गया, उसके बाद कोई इस पर नया काम किया नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी, और आज हमारी टीम जो है लगातार उत्तर प्रदेश के हर गांव और शहर में पहुंची है, और आज हम पहुंचे हैं रामपुर में। रामपुर में ये जो पुल है, डैम है, ये लालपुर डैम कहा जाता है, और लालपुर और रामपुर को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है। आपको बता दें कि इसकी नींव जो है, इसकी नींव जो रखी थी आजम खान ने, आपको दिखाते हैं बोर्ड, आइए दिखाते हैं कि इसका जो पहले ये पुराना डैम था उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि ये जो डैम था ये लाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश में निकल चुकी है शहर शहर गांव गांव और जाके जानने की कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया है। प्रदेश मौजूद हूँ, ये जिला रामपुर है, रामपुर के जो मैं हूँ लालपुर डैम पर। लालपुर डैम दिखाना चाहूँगा कि ये लालपुर डैम है, ये बहुत पुराना डैम है, और इसको जो है समाजवादी सरकार में जब इसको तोड़ दिया गया था, जो पुराना डैम था इसको नया बनाना था, और इसका जो पास है देखिए शिलान्यास जो है आजम खान शिवपाल यादव द्वारा किया गया था 20 मार्च 2016 को इसका शिलान्यास किया गया था, काम शुरू हो गया था। लेकिन क्या अभी तक आप इनकी हालात देख सकते हैं इस पुल की, कि अभी तक ये पुल नहीं बना है। आपको बता दें कि ये जो पुल है लालपुर को रामपुर को जोड़ता है, जो ये मुख्य मार्ग है रामपुर टांडा को जोड़ता है, तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। आसपास के गांव के लोग जो यहां मौजूद हैं इन्हीं के जुबानी जानते हैं यहां पे इस डैम परेशानी हो रही है। सर इतनी परेशानी है कि अब पिरानपुर होके तोपखाने होके जाना पड़ता है, वो तो एक किलोमीटर कम से कम 1 लीटर तेल पेट्रोल फूकता है। अच्छा, 1 लीटर तेल। अच्छा, ये जो पुल है, अगर ये पुल की वजह से कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है? कम से कम 25 किलोमीटर चलना पड़ता है। इतनी महंगाई में 25 किलोमीटर खलता है क्या? और खलता नहीं है, बहुत परेशानी पड़ रही है। तो क्या वजह है? क्योंकि योगी सरकार कहती थी कि हम 4-6 महीने में गड्ढे बन देंगे, सारे प्रदेश के रोड बना देंगे, तो इसमें इतना टाइम क्यों लग गया? 4.5 साल का वक्त हो गया अभी। क्या कहें, ये सरकार ना बन पा रही ना, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार सिर्फ झूठे वादे कर दिए। 2 बार यहाँ पर प्रस्ताव पास हो चुका है, 1 साल पहले यहाँ प्रस्ताव पास किया गया था और गवर्नमेंट ने कहा था कुछ ही समय में पुल पे का निर्माण स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर निर्माण स्टार्ट किया गया, 10 से 15 दिन यहाँ पर निर्माण चढ़ा, और निर्माण चढ़ने के बाद में जो कार्य प्रगति पर था वो कार्य स्टॉप कर दिया गया, और लगभग 8 महीने पहले से यहाँ कुछ नहीं कर रहे। अभी दोबारा से यूपी गवर्नमेंट ने फिर से इसके लिए प्रस्ताव पास किया है और नवंबर से इसका टाइम दिया गया, नवंबर से इस पर कार्य किया जाएगा। नवंबर से कार्य किया जाएगा, तो चुनावी वादा तो नहीं है वोट के लिए? ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट का चुनावी मुद्दा, अगर यूपी गवर्नमेंट का ध्यान देना होता 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, अगर इस पर कार्य करना होता तो जो यहाँ की जनता को परेशानी है यूपी गवर्नमेंट यहाँ पर देखती, या कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी जो भी यहाँ पर आज तक अधिकारी हैं किसी ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ पब्लिक यहाँ परेशान है। 1 किलोमीटर की दूरी पर जाने वाले बच्चे जो स्कूल जाते हैं, 3 किलोमीटर दूर स्कूल पर जाते हैं, वो बच्चे यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर घूम कर जाते हैं, और पिछले 5 साल से उनकी पढ़ाई शिक्षा में बाधा पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे समय से स्कूल नहीं जा पाते और ना ही समय से अपने घर में पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, 1 किलोमीटर बता दूं कि यहाँ से लेके 1 किलोमीटर की जो दूरी है, भाई बता रहे हैं कि 15 से 25 किलोमीटर तक घूमना पड़ता है। इस इतनी महंगाई है, महंगाई में असर तो डालती होगी इतने दूर तो घूमना। विकास देखना हो तो वो विकास एक बार यहाँ आके रामपुर, और रामपुर का जो एक लालपुर डैम कहलाता है, वहाँ के विकास की सारी जो सीमाएं हैं वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। सारा मामला विकास, कितना यूपी में विकास हुआ, कितना रामपुर में विकास हुआ। टांडा विधानसभा सीट को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग लालपुर टांडा और रामपुर के लिए जो जाता है डैम, लालपुर डैम, उस मार्ग पर अभी 5 साल हो गए आज पुल बना हुआ, जो था वो आजम खान ने भी कुछ नहीं किया, गया वो तोड़वा दिया जो पुराना पुल था, और नया पुल 5 साल से अभी तक बना नहीं है। इतना विकास है यहाँ रामपुर में, मतलब न्यू रख दी गई थी आजम खान सरकार में, नहीं रखी खान ने रखी थी न्यू, और किसी राजनीतिक कारणों की वजह से ये उलझाए हुए हैं वो। बोलो भाई साहब, बहुत परेशानी है पुल की। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, आते हैं कम से कम 20-25 किलोमीटर घूम के, रामपुर जाना पड़ता, पिरानपुर जाना पड़ता, फिर आना पड़ता लालपुर। योगी सरकार तो कह रही थी कि काम हम करा देंगे, 6 महीने में गड्ढा मुफ्त कर देंगे। नहीं कराया भाई साहब, कहाँ हुआ काम? काम हुआ ही नहीं है, बोला था काम करने के लिए, काम हुआ ही नहीं।
कितना परेशानी होती है इसकी वजह से? परेशानी बहुत होती है साहब, रामपुर घूम के प्राणपुर रोड पर आते हैं घूम के 25-30 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ को तो पैदल निकल जा कर रहे ना भाई, यहाँ को तो पैदल निकल जा कर रहे ना, पैदल वाला बंद कर दिया। और पैदल वाला कहाँ है यहाँ पे रास्ता? बीच में था ना कि पैदल चले जाओ, और ऐसा कच्चा पुल बना दिया था, सब बंद कर दिया। सब बंद कर दिया, सब तो उखड़ लिया उनको पानी की वजह से ना, पानी जो आ गया नदी में। तो इसका बाढ़ और का फर्क पड़ता है क्या? बाढ़ और भी आता है क्या इसकी वजह से? और बाढ़ आता है, सब गांव में घूमता है बाढ़ इसकी वजह से। और इसकी वजह से बाढ़ में घूमते तो सब में बाढ़ आता है। ये कुछ समय के लिए अस्थायी पुल बन जाता है यहाँ पर, जो कि बारिश ना होने की वजह, जब बारिश स्टार्ट हो जाती है जून के स्टार्टिंग से, यहाँ पर जो अस्थायी पुल होता है वो तोड़ दिया जाता है, और लगभग नवंबर तक जो अस्थायी पुल होता है वो बंद रहता है। नवंबर के बाद फिर जनवरी से या दिसंबर से अस्थायी पुल जो रहता है उसको बना दिया जाता है, और वो पुल काम करता है। लेकिन पुल के होने के बावजूद भी पब्लिक को, जो बच्चे हैं स्कूल के लिए जाते हैं या ट्यूशन कोचिंग के लिए जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत और मशक्कत उठानी पड़ती है इसके जाने के लिए। जी, और कितना दिक्कत होती है भाई जी, आप भी बताएंगे? दिक्कत है, जहाँ 2 रुपए का काम है, 100 रुपए में काम हो रहा है, तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई। इतनी महंगाई में और मार पड़ती है। बिल्कुल, जो 2 रुपए का काम था वो अभी एक आधा किलोमीटर हमें जाना है, अब वो 25 किलोमीटर जाएंगे तो कितने देर दूरी रेलवे लगेगा, फिर समय अभी कोई अल्लाह ना करे मौत हो जाए किसी की, तो दफन में भी टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग। कोई बीमार वमार पड़े जैसा जिला अस्पताल पहुँचना, मान लो उधर के लोग हैं तो वो रास्ते में दम तोड़ देंगे ना। बहुत सारी जगह पढ़ाई वढ़ाई को लेकर, पढ़ाई वढ़ाई को लेकर तो परेशानी है। जो बच्चे जाते थे पहले तो यहाँ से लोग जाते थे तो पुलिस वाले ज्यादा प्रशासन दिक्कत करता था, नदी में पानी उतर उतर के बच्चे जाते थे, उनकी आधी किताबें बह गई बेचारों गरीबों की। अच्छा, किताबें बहने के बाद में भी प्रशासन का भी आ जाता था तो मारता है प्रशासन। सुना है कि नवंबर तक सरकार कह रहे हो कि सरकार बनाना काम शुरू कर, उनका कहने का काम है 2 महीने में बना रहे थे, 2 महीने से अभी 6 महीने तो हो गए, अभी क्या बताया, 5 साल करीब होने वाला है पूरा। नहीं, 2 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ था, 2 महीने का टाइम लिया था उन लोगों ने, 2 महीने का लिया, 2 महीने का। नवंबर में ले रहे हैं, फिर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। वो उसके लिए नहीं है, वो तो खाली चुनाव के लिए लिया उन्होंने, फिर चुनाव के अभी चुनाव आएगा फिर एक वायदा करेंगे, उसके बाद में चुनाव के बाद फिर भूल जाएंगे वो। अच्छा, सिर्फ चुनावी वादा ही है, चुनावी वादा ही है उनका। क्या लगता है अब जो है फिर चुनाव आ रहा है तो सरकार चाहते हो सरकार को वापसी या फिर बदलना चाहते हैं सरकार? हम तो बदलना ही चाहते हैं। बदलना चाहते हैं, तो किसका उम्मीद देखते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, क्या करते हैं? ये चुनाव आजम खान साहब की मौजूदगी में ये पुल तोड़ा गया था, और इस पुल पर पूरा कार्य इसका प्रगति पर था, पूरा पुल कम्प्लीट होने में था। यूपी में गवर्नमेंट चेंज हो गई और योगी साहब ने कहा कि हम इसका निर्माण दोबारा से कराएंगे, पिछले 5 साल कम्प्लीट हो चुके हैं, जबकि जो काम आजम खान या समाजवादी सरकार के रहते हुए किया गया वही काम इस पर किया गया, उसके बाद कोई इस पर नया काम किया नहीं। नया काम नहीं हुआ, 4.5 साल में कोई नया काम नहीं हुआ, कोई इस पर नया काम नहीं किया है। जो काम इस पर समाजवादी सरकार में किया गया था बस वही काम है, उसके बाद कोई नया काम इस पर नहीं किया गया, जबकि योगी सबर गवर्नमेंट ने ये वादा किया। 2 बार इसका क्या कहते हैं उद्घाटन किया जा चुका है कि हम अभी काम कराते हैं, अभी काम कराते हैं, अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट के होते हुए कोई इस पर काम नहीं किया गया। वही बीजेपी सरकार है जो लगातार रोड और सड़कों का नाम लेती है कि हमने रोड और सड़कें बहुत बनाए हैं। वही बीजेपी गवर्नमेंट है जो बार बार कहती है हम यूपी को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, यूपी के गाँव को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, बिजली मुक्त बनाएंगे। ना तो अभी इस क्षेत्र को बिजली मुक्त बनाया गया और ना ही गड्ढा मुक्त बनाया गया। यहाँ से ज़्यादा शायद परेशानी जो है यहाँ के क्षेत्रवासियों को जो परेशानी है वो जितनी शायद है यूपी में किसी क्षेत्रवासी को इतनी परेशानी ना हो, या उनके बच्चों के भविष्य के लिए जितनी परेशानी यहाँ पर है बीजेपी गवर्नमेंट को लेते हुए जितनी ना हो। क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो लड़कियाँ हैं वो हमारे यहाँ 4 किलोमीटर दूर एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसके लिए शिक्षा के लिए जाती थी, वो जब पिछले 5 साल से उन लड़कियों की पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। कितने गाँवों को प्रभावित कर रहा है ये पुल? ये गांव हमारे यहाँ से 15 से 20 गांवों को प्रभावित करता है। अगर हमारे यहाँ कोई क्रिटिकल इलनेस में कोई बीमार है, लालपुर से जाने वाला व्यक्ति अगर रामपुर जाना चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो रास्ते में दम तोड़ पाता है लेकिन हॉस्पिटल उसको नहीं मिल पाता है टाइम। क्या लगता है बारिश में क्या देखते हैं? बारिश में इतना कुछ देखते हैं कि 1 किलोमीटर जो 10 किलोमीटर में रामपुर हमारे सिटी पहुँचा रहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो रास्ता हमें 40 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। तो क्या ऐसे में कोई अगर क्रिटिकल इलनेस का मरीज को बच पाएगा? 22 में चुनाव है, नवंबर में वादा कर दिया कि हम पुल तैयार करेंगे, तो क्या परिवर्तन देखते हैं? बदलेंगे सरकार या योगी जी ठीक हैं? हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, क्यों? हम समाजवादी गवर्नमेंट आएगी तो हम इस पुल को निर्माण देखना चाहेंगे। अगर यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी रहती है तो इस पुल का कार्य कभी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही क्षेत्रवासियों को परेशानी बनी। लोगों से जानते हैं क्या लगता है 22 में पुल नहीं बनेगा सर? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या लगता है सरकार बदलेंगे या फिर योगी जी आएंगे? सरकार बदलेंगे। बदलेंगे, बदलेंगे। किसको देखते हैं सरकार के रूप में? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, क्या लगता है भाई? भाई साहब समाजवादी की सरकार आ जा, समाजवादी तो बनेगा। हाँ, और कोई नहीं? हाँ, अच्छा काम तो कर रही ना योगी जी? अच्छा काम क्या, हमारा पुल तो बना ना, पुल नहीं 5 साल हो गए, 5 साल हो गए पुल नहीं बना है।
और आपको बता दें कि लगातार जो है सरकार जो है जो सत्ता में सरकार है वो आती है और ये पुल बनाने का वादा करती है। अभी अभी बात करें तो 2 महीने पहले फिर से शिलान्यास किया गया इसका और कहा गया है कि इस पुल को तैयार कर दिया जाएगा और अभी जो बता रहे हैं दोबारा जो है नवंबर तक का समय लिया गया है कि नवंबर तक इसको जो है फिर से इस पुल को तैयार किया जाएगा। बता दें कि जिस तरीके से गांव वालों से बात की कि लगभग जो है 15 से 20 गाँव को जो है प्रभावित कर रहा है और जो 1 किलोमीटर की दूरी है उसे तय करने में लगभग जो है 20 से 25 किलोमीटर लगता है, लेकिन नवंबर में किया गया है वादा कि पुल को तैयार करेंगे। तो क्या लगता है ये पुल बनेगा या फिर ये जो नवंबर का जो वादा है ये भी एक चुनावी वादा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा है कि इस बार यूपी में जो है हम सत्ता जो है परिवर्तन करेंगे, लेकिन क्या होगा 2022 में, कौन बनेगा यूपी का सरताज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।